Assalamualaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है अतीक जो है उनको रोस्ट किया गया है। सो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे रोस्ट किया गया है, और जो है योगी आदित्यनाथ एंड यूपी पुलिस के बारे में हम आज जानेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। अरे भाई 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 भाई, ये यूपी में चल क्या रहा है बॉस। अभी अतीक के लौंडे असद के एनकाउंटर पर बने मीम्स की राख भी ठंडी नहीं पड़ी थी कि किसी ने अतीक और उसके भाई अशरफ की कटपटी पर गोली मारकर उनको बाप रे तेजी से माफिया डॉन मारे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर की लाइव शूटिंग देख रहे हैं। हालत ये है कि मुख्तार अंसारी जरा दो मिनट बाथरूम में ज्यादा क्या लगाते हैं। बाहर से लोग नॉक नॉक करके पूछते हैं कि फ्रेश हो रहे हो या नहीं। बैठ गए। आलम यह है कि लोग गुड्डू मुस्लिम से भी उसका टोकन नंबर पूछ रहे हैं कि भाई तेरा नंबर कौन सा। मगर जिस तरह स्वतंत्रता सेनानी आती और उसका मासूम भाई पुलिस हिरासत में मार दिया गया, उस पर तमाम तरीके की बातें हो रही। कुछ लोग इतने बड़े माफिया की मौत पर बूंदी बांट रहे, तो कुछ इसे कानून व्यवस्था का मजाक बता रहे, तो कुछ लोग कानून व्यवस्था को मजाक बताने वालों का मजाक उड़ा रहे, और कुछ ऐसे भी हैं जो अतीक की पिलाई पर इतनी छाती कूट रहे हैं कि मानो कोई माफिया डॉन नहीं, सहारनपुर में सिंघाड़े बेचने वाला कोई गरीब रेड़ी वाला मारा। तो आइए आज सिंघाड़े लगाते हैं, हम इसी रुदाली गैंग के सिंघाड़े लगाते हैं। तो शुरू करते हैं इन्हीं छाती कूटों का फन काउंटर। तो दोस्तों हुआ ये कि शनिवार रात 10:30 का वक्त था, तभी भारत के मशहूर गजल गायक अतीक अहमद और बेले डांसर अशरफ लाइव परफॉर्मेंस देने भारी सुरक्षा के बीच एक ऑडिटोरियम में जा रहे हैं। तभी इनकी कला से ईर्ष्या रखने वाले रवांडा घराने के तीन बदमाश पुलिस के सामने ही इनको मार देते हैं। खबर मिलते ही पूरा देश दोनों महान कलाकारों की मौत से सदमे में डूब जाता है। रो रो कर लोगों का इतना बुरा हाल हो जाता है कि उनकी हंसी ही नहीं रुकती। लोगों का मूड इतना खराब होता है कि उन्हें आधी रात में फार्म हाउस पिज्जा ऑर्डर करना पड़ता है। वो इतने गहरे सदमे में चले जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि पिज्जा के साथ कोक ऑर्डर करना था या पेप्सी। सच पूछे तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों के जाने से इस देश के विज्ञान, खेलकूद, कला, संस्कृति, संस्कृति की बहन बिपाशा और बिपाशा के बॉयफ्रेंड को जो नुकसान पहुंचा है उसकी पूर्ति हम कैसे करें। दोस्तों मैं ये बातें फिर भी हल्के फुल्के तरीके से कह रहा हूं, मगर कुछ लोग सच में ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कोई बांसुरी वादक मारा गया, मानो एक ऐसे इंसान की हत्या हुई हो जिसकी सारी जिंदगी कबूतर को दाना डालते थे, जो बच्चों के बर्थडे पार्टी में जाकर बलून फुला। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि किसी की भी मौत का जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए, मगर एक माफिया डॉन की मौत पर इतने आंसू भी तो न बहा दो कि लगे पुलिस फायरिंग में यूनेस्को का कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता मारा गया। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि किसी भी लोकतंत्र में अपराधी को कानून के हिसाब से ही सजा मिलनी चाहिए, मगर ये भी सच है कि जिस आदमी ने सारी जिंदगी कानून का मजाक बनाए रखा, जज भी जिसके सामने भीगी बिल्ली बने हुए हो, जिसे 40 साल तक किसी एक मामले में भी सजा न हुई हो, जिसने न जाने कितने ही लोगों की हत्या करवाई हो, कितनों की जमीनें हथियाई हो, ऐसा आदमी कैसे भी अपने अंजाम तक पहुंचता है तो लोगों को तसल्ली होती है। अगर आप ऐसे माफिया की मौत पर राहत महसूस कर रहे आम आदमी को कानून का पाठ पढ़ाएंगे तो उसे इस बात का भी हिसाब देना पड़ेगा कि यही कानून उसे इतने सालों तक सजा क्यों नहीं दे पाया। उसे ये भी बताना पड़ेगा कि वो कानून कहाँ गया था जब भाई की हार से गुस्सा होकर अतीक ने राजू पाल पर गोलियां चलवाई। गोलियां ही नहीं चलवाई, ये अश्योर करने के लिए कि वो बच ना जाए अस्पताल में जाकर उस पर फिर से गोलियां चलाएगी ताकि वो बच ना जाए। अतीक की मौत में कानून की मौत देखने वालों को ये भी बताना होगा कि कैसे इतना बड़ा माफिया 5-5 बार विधायक बने, जो इंसान सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है, कैसे वो आदमी देश की संसद में पहुंच जाता है। जिस आदमी ने खुद सारी जिंदगी कानून का पालन नहीं किया वो खुद सांसद बनकर कानून बनाने वाला बन जाता है। मजाक अतीक की मौत नहीं, मजाक अतीक का अतीत है। मजाक ये है कि एक अपराधी बेखौफ होकर सारी जिंदगी दूसरों की जमीन हड़पता रहा और कोई उसका कुछ नहीं। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये सब बातें कोई वजह नहीं हो सकती कि किसी अपराधी को मार या मरवा दिया जाए, मगर ये भी सच है कि जब अतीक जैसे अपराधी इस कानून की खामियों का फायदा उठाते हैं, exactly, सही बात है, तो लोगों का भी उस कानून से भरोसा उठता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रह जाता कि उसका जो हश्र हुआ वो कानून के हिसाब से हुआ या नहीं, उन्हें बस इस बात की तसल्ली होती है कि उसका वो हश्र हुआ जो होना चाहिए। आप कहते हैं कि अतीक पर मुकदमा चलता, उसे कानून के हिसाब से सजा मिलती तो वो ज्यादा अच्छा होता। बेशक हम तो कह ही रहे हैं कि वो अच्छा होता, मगर ये देखते हुए कि इस देश में सालों साल ऐसे मामले आगे बढ़ते ही नहीं,
इस बीच सरकारें बदल जाती, क्या पता यूपी में भी 2-3 साल में सरकार बदल जाती। जिन लोगों के साथ मिलकर अधिक पहले पॉलिटिक्स करता रहा है, अगर वो सत्ता में आ जाते तो क्या गारंटी वो खत्म हो जाए। चल रातों रात तक रुक नहीं जाते, वो जमानत लेकर बाहर नहीं आ जाता, बाहर आने पर गवाहों को डराने और धमकाने नहीं लगता, फिर से चुनाव लड़कर एमपी एमएलए नहीं बन जाता। और ऐसा जो कि होता ही है, तो उससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता। और आज उसकी मौत पर छाती कूटने वाले तब क्या ये सोचकर खुद को तसल्ली देते कि क्या हुआ, आदरणीय अतीत जी कानून की मम्मी जी भी करके एक बार फिर से बच निकले, कम से कम ये पुण्य आत्मा आज हमारे बीच जीवित तो है, शुक्र है उन्हें मरवाया नहीं गया, वरना महान विभूति से हाथ धो बैठता। और जो मैं कह रहा हूँ ये कोई मजाक नहीं है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी लोग इस देश की पॉलिटिक्स को समझते हैं वो ये जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो एक एक बात सच हो सकती थी, इसलिए आज वो अतीक और उसके भाई की मौत पर राहत महसूस करती है। अब देखिए जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, जिंदगी में चीज़ें सीधे तब चलती हैं जब सामने वाला भी सीधे साधे तरीके से चले। पर्सनल संबंधों में कोई आपकी इज्जत करेगा तो आप उसकी इज्जत करेंगे, कोई आपको प्यार देगा तो आप भी उसका सम्मान करेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई आपके साथ बदमाशी करे, खाक बने और इतना परेशान करे कि उसका होना ही आपके लिए खतरा बन जाए। जब बात आपकी जिंदगी पर बनाती है ना, तब आपको भी हर हाल में उस आदमी से पिंड छुड़ाना ही होगा। मतलब जिस अपराधी ने सारी जिंदगी पुलिस वाले अपनी जेब में रखे हों, गवाहों को धमकाया हो, जजों को डराया हो, राजनीति को अपनी रखेल बनाकर रखा हो, जो जेल में बैठे बैठे लोगों की हत्याएं करवा देता हो, आपको लगता है कि वो आदमी चुपचाप जेल में बैठकर फांसी पर लटकने का इंतजार करता? और साबरमती जेल में रहते हुए उमेश पाल का मर्डर करवाने के पीछे भी तो उसकी यही सोच थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उमेश पाल की गवाही से न पलटने से उसका खौफ कम हो रहा। यही सारे रीजन है कि आम आदमी की इस बात में दिलचस्पी ही नहीं है कि अतीक और उसके भाई पर हमला करने वाले कौन थे, उनका मोटिव क्या था। उनके लिए बस एक ही बात मायने रखती है कि जिस आदमी ने 40 साल तक प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में अपना आतंक फैलाया, आखिरकार वो मारा था। कोई इंटरेस्ट नहीं, किसने मारा ये जानने में आम आदमी का कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर उसे ब्लैक पैंथर ने मारा हो या नोबिता ने, उसे घंटा फर्क नहीं। अच्छा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हत्या करने के बाद उनमें से कुछ लड़के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और इससे कुछ लोग डरे हुए, ऐसा लगता है कि हत्या करके वो एक वर्ग को संदेश देना चाहते हैं। देखिए पहली बात कि कोई भी धार्मिक नारा क्यों लगा रहा है ये तो लगाने वाले बता सकते हैं, क्योंकि अतीक के मर्डर के पीछे कोई धार्मिक एंगल तो था ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि इस तरह धार्मिक नारा लगाकर हत्या करने वाले खुद ही धर्म के नाम पर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, मगर मुझे नहीं लगता कि बहुसंख्यक वर्ग में किसी ने भी ऐसे नारेबाजी को पसंद किया। देखिए मैं इस वीडियो में छठी बार दोहरा रहा हूँ कि कोई भी सभ्य समाज किसी का मर्डर करके उसे सजा देने के तरीके को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मगर हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि ये बात जानने के बावजूद क्यों इतने लोग अतीक के इस अश्व पर खुश हो राहत महसूस कर रहे हैं, ये सिस्टम पर तो सवाल खड़े करती है। साथ ही ये भी बताता है कि जब अपराधी अतीक जैसा हो तो लोगों को सिर्फ उसके अश्व से मतलब होता है, वो अश्व कैसे हुआ, किसने किया, इसे कोई वर्णन नहीं। और इस वीडियो में चलते चलते मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन पंक्तियों को बिना इससे अग्री या डिसअग्री शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज ज़्यादातर लोगों के सेंटीमेंट्स यही है। कहते हैं तरीका तो भीष्म को मारने का भी गलत था, तरीका वो भी गलत था जिससे द्रोण को मारा गया, जिससे कर्ण के प्राण लिए गए, जिससे दुर्योधन को मारा गया। तरीका गलत हुआ तो क्या, मरने वाले भी तो गलत थे। एनकाउंटर असली हो या नकली, लादेन का हो या अतीक के बेटे का, उनका हिसाब ज़रूरी है। पापियों को नीति, नियम, धर्म, मर्यादा, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मानवाधिकार मानवों के लिए होते हैं, दानवों के लिए नहीं, और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही सब कहा है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अतीक और उसके भाई की इस मौत पर आप क्या सोचते हैं। जल्दी मिलते हैं हमारे एक और वीडियो में, इसका ख्याल रखिए। जय हिंद। फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि आरजे रौनक जी ने हमेशा वीडियोस ऐसी बनाते हैं जो एक तो लॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर होती हैं, दूसरा इनकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा जो है वो एक तो फन भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होती है, उसके साथ साथ लॉजिक भी होती है। तो आई थिंक कि हमें न्यूज़ प्लस जो है वो एंटरटेनमेंट भी मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल वीडियो की बात करें जिसमें इन्होंने कुछ लोगों के जो परसेप्शंस हैं, जो सोशल मीडिया पर हर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कोई अपने अपने रिव्यूज दे रहा होता है, सो उसी को ही इन्होंने उठाकर उनकी जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को ही आंसर करने की कोशिश की है, विच इज वेरी नाइस। मोस्टली जो लोग हैं उनको देखकर आइडिया हो जाएगा कि भाई एक्चुअली क्या चीज का, मतलब जब कोई आंस नहीं करता ना तो लोग बोलते जाते हैं कंडीशनली, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे
टू एक्सप्लोर एक्सप्लेन रिगार्डिंग यू नो थिंग्स. सो गाइज बहुत ही अच्छा है कि अतीक जैसे इंसान के साथ ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ. सबसे बड़ी बात कि इन्होंने बताया कि प्रयागराज कुछ करके नाम है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है. वेल वहां पर उन्होंने तकरीबन 40 साल जो है वो वहां पर इन्होंने अपना डर खौफ फैला कर रखा लोगों के साथ. मतलब हम पहले फिल्मों में ये सब देखा करते थे और अब पता चल रहा है कि ये रियलिटी में भी ऐसा था. तो मतलब ये फिल्मों में काफी हद तक रियलिटी भी दिखाई जाती है. मुझे लगता था सिर्फ फेक ही होती हैं चीजें. एनीवेज ओवरऑल हम ये बात कह सकते हैं कि इसमें हमें बहुत कुछ डिफरेंस देखने को मिला कि एक लाइफ जो है रियल लाइफ पे भी ये सारी चीजें होती हैं. बाकी ये बात सच है कि अगर पॉलिटिक्स में वो होते अभी भी तो आई थिंक उनको उनके साथ ये सब कुछ शायद ना हो रहा होता क्योंकि उनके हाथ में हर चीज होती. हाथ में तो पहले भी थी लेकिन फिर और ज्यादा स्ट्रांग. तो जिस तरह इन्होंने आज रौनक जी ने कहा कि वो भाई इंतजार थोड़ी करते कि कोई बेकर आएगा, वो तो भाई आ जाते कब से मरने का इंतजार करते हैं. नहीं मरने का कोई इंतजार नहीं करता. जब कोई इस तरह की बड़ी बड़ी पहुंच में हो ना तो उनको इन चीजों से उनके दिल से खौफ निकल जाता है, तभी तो इस तरह की चीजें करते हैं. जब एक इंसान के अंदर से खौफ निकल जाता है डर निकल जाता है फिर वो इस तरह की चीजें करता है. बट आई थिंक क्योंकि अब जाके अगर हम देखें तो इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ही ज्यादा जो है वो राइट वे पे चल रही है. तो इससे जो है वो डिफरेंट चीजें जो है हमें देखने को मिलती है. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग जो हम कह सकते हैं. बाकी ओवरऑल अच्छा लगा कि इंसाफ है इंडिया में और इंसाफ हो रहा है. इस तरह के लोगों को जितनी जल्दी क्लियर किया जाएगा उतना ही बेहतर है. स्पेशली जो है आम लोग जो है उनकी जिंदगियों को आसानी मिलेगी, सुकून मिलेगा. बाकी जिनके साथ ये हुआ है उमेश जी के साथ आई थिंक उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई. लिटरली बहुत ही दुख होता है ना जब आप किसी के नाजायज किसी के साथ करते हो, नाजायज होता है ना, और उनके साथ फिर ऐसा हो तो बड़ी खुशी होती है. जो जब इंसाफ होता है ना तब खुशी होती है. बाकी ओवरऑल योगी आदित्यनाथ जी नो डाउट दे आर डूइंग वेरी वेल एंड पीएम नरेंद्र मोदी जी ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. और बस मैं यही कहूंगी कि ऐसे जो कचरा है ये कचरा होते हैं लोग और इस तरह के कचरे को गार्बेज में ही डाल देना चाहिए तो वही बेहतर रहता है. आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं. बाकी मट्टी वाला जो अल्फाज है ये तो बहुत ही ज्यादा डायलॉग फेमस हो गया है. मट्टी में मिला देंगे, वाकई में मिट्टी में मिला दिया है. तो बाकी मजा आया वीडियो वॉच करके. आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. मैंने न्यू व्लॉग अपलोड कर दिया है साइमा प्लीज द व्लॉग चैनल पर. नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर रही हूँ, प्लीज जरूर वॉच करें, सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय.